हेलो एवरीवन वेलकम टू रिलायबल दिस इज सी ए शर्मा डिपार्टमेंटल हेड फिजिक्स रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा देखो बच्चों आई जेई की प्रिपरेशन हो चाहे जेई मेंस की प्रिपरेशन हो चाहे मेडिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो या किसी भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ कॉम्पोनेंट्स का प्रॉपर एशो में होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला आप जो पढ़ रहे हैं आपका जो कॉन्टेंट है वो सूटेबल कॉन्टेंट है या नहीं है दूसरा आप उस कंटेंट को किस तरह से ग्रेफ कर रहे हैं आपको जो गाइड करने वाले टीचर्स हैं वो किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं तीसरा और एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और वो है कि आपने उसको पढ़ा आपने उसको समझा मटेरियल भी अप्रोप्रिएट था लेकिन क्या टेस्ट में आप उसको पूरी तरह से अपना परफॉर्मेंस के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ जे प्रिपरेशन एनी एग्जाम किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में जो टेस्ट दिया जाता है जिस समय बच्चा टेस्ट दे रहा होता है उस समय वो कई तरह के चैलेंजेस को फेस करता है जिससे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब टेस्ट देना शुरू करते हैं तो शुरू के आधा घंटे बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और जैसे 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 समय गुजरता जाता है उनकी एनर्जी लेवल कम होती जाती है और उनकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो भी डाउन होती जाती है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरुआत में बड़ा डल से रहते हैं धीरे धीरे करके उनका इंजन गर्म होता है एंड देन दे स्टार्ट किकिंग और उसके बाद वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने लगते हैं कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं कुछ बच्चे इतना स्लो एग्ज़ाम करते हैं कि पूरी तरह से वो उस एग्ज़ाम को कम्प्लीट ही नहीं कर पाते कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एनर्जेटिक है सब अच्छा है लेकिन उनको यही नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन रिजेक्ट करना है और ड्यूरिंग द एग्जाम वो अपना टेम्परामेंट खो देते हैं तो बच्चों ये जो आज जिस पॉइंट पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वी आर कमिंग विद टू ए वैसे तो हम लोगों ने चार ए प्लान किए हैं लेकिन अब जो ए आपके लिए बचे हुए हैं वो दो ए होंगे एक थर्टी जनवरी को होगा दैट विल बी ऑन ट्वेल्थ सिलेबस और एक ऑल इंडिया ओपन टेस्ट होगा जेई मेन के लिए वो फोर्टीन फेबर को होगा दैट विल बी एलेवन प्लस ट्वेल्थ सिलेबस तो ये जो ए कुछ खास हैं और इसमें क्या खास है ये आप इस हेडिंग से समझ सकते हैं दीज आर रिलायबल टेस्ट स्पेशली डिजाइन एंड एक्यूब्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आपको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स किस तरह से मदद करेंगे सेलेक्टिविटी को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे आपको किस तरह से आईना दिखाएंगे कि ड्यूरिंग दी टेस्ट आप कहाँ पे तेज थे कहाँ पे स्लो थे वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट मैं थोड़ा सा आपको जेई मेन के नए पैटर्न के बारे में बता देता हूँ देखो अच्छो जेई मेन का जो नया पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि आपको टोटल थर्टी क्वेश्चन मिलेंगे यू विल बी गिवन नाइनटी क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन करेक्ट एंड टेन क्वेश्चन आउट ऑफ टेन इंटीजर्स यू विल बी हैविंग अ चॉइस टू सेलेक्ट एनी फाइव वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस बिहाइंडशन और इस तरह का चॉइस देने के पीछे लॉजिक क्या है तो एच आर डी मिनिस्ट्री का क्लियर कट तर्क है कि ड्यू टू पेंडेमिक कुछ बच्चों को अच्छी तरह से कोर्स कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज के गाँव में पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी नेटवर्क प्रॉपर नहीं हुआ करता था उनका कंटेंट नहीं था तो हो सकता है उन बच्चों ने सिलेबस पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं किया हो हो सकता है किसी का 70 परसेंट सिलेबस हुआ हो हो सकता है किसी का 60 परसेंट सिलेबस हुआ हो एंड डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में क्या होता है बच्चों अलग अलग सीक्वेंस होती है किसी का एक्स चैप्टर हो गया किसी का वाई हो गया किसी का जेड हो गया तो उन बच्चों के लिए जिनका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सिलेबस का लेवल है गवर्नमेंट ने इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि यार आपके पास ये दस क्वेश्चन है फिजिक्स में आप इसमें से अपनी पसंद के पाँच चुन लो हमारे इस टूल में हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत चुन लिया है अगर यदि आप हमारा ए देते हैं तो ए देने के बाद हमारे किसी भी टेस्ट के अंदर यह वैसे इनबिल्ट फीचर है कि आपको यह बताया जाएगा कि आपने कहां पे माइक्रो एनालिसिस करके बताया जाएगा कहां पे आपने गलती करी एंड विच क्वेश्चन इज गुड फॉर यू एंड ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसको आपने गलत उठा लिया कौन से क्वेश्चन में आपने जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया एग्जाम के दौरान कौन सा ऐसा मोमेंट है कौन सा ऐसा ड्यूरेशन है जिस टाइम आपकी एनर्जी लेवल सबसे लो थी वो सब बातें हम आपको बताएंगे तो खैर ए आई ओ टी के बारे में खैर मैं आपको जय मेन के पैटर्न के बारे में बता रहा था तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बच्चों थर्टी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर सेलेक्टिविटी का ऑप्शन होगा सो आउट ऑफ नाइनटी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली सेवेंटी फाइव क्वेश्चन सिक्सटी क्वेश्चन आर कंपल्सरी टू अटेंड

आपका जो बेस्ट वाला स्कोर होगा वो जेई मेन के रैंक में काउंट होगा सो यू हैव मेनी चॉइसेस एंड आई थिंक आप लोगों के दिमाग में जो बर्डन था जिसकी वजह से आप तनाव में थे कि यार जेई मेन कब होगा कैसे होगा मेरे तो तैयारी कंप्लीट नहीं हुई उन सभी चीज़ों का समाधान कहीं ना कहीं एच आर मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से निकाला है एंड वी आर रेडी फॉर दैट तो आइए मैं आपको हमारे ऑल इंडिया ओपन टेस्ट का जो पोर्टल है जिस जो आप जब आप टेस्ट देंगे तो आपको किस तरह का एनालिसिस मिलेगा और उससे आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं आप उसको किस तरह से अपने आप को एनहांस करने में इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं मैं एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक वर्ड है विच इज़ अ वेरी फेमस वर्ड नावे डेज और उस वर्ड को उसका नाम है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड है बच्चों ये अपकमिंग आने वाले समय में आपकी लाइफ के हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा आप लोग आज सुनते हैं कि देर आर मेनी हॉस्पिटल्स जहां पर रोबोट्स ऑपरेशन कर दिया करते हैं एंड द एक्यूरेसी रोबोट इज ऑलमोस्ट 99 नाइन परसेंट आप लोग ड्राइवरलेस कार के बारे में सुनते हैं हर लाइफ के हर फील्ड में एआई का यूज हो सकता है तो क्यों ना एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में उसका यूज़ किया जाए रिलायबल इज दी फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन कोटा कोचिंग सिस्टम जो इस टूल को लेकर के आया है आपके लिए हम लोग आपके पेपर के आधार पर एनालिसिस करके बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है तो बच्चों ए आई बेस्ड हमारा जो एनालिसिस है उसमें जब भी जैसे ही आप पेपर दोगे पेपर देते ही आपको इस तरह से आपके मार्क्स नजर आएंगे दिस इज अ सिंपल पेज ये जनरली uh, uh, हर टेस्ट के बाद आपको कहीं भी किसी भी पोर्टल पे मिल जाएगा यू दिस दीज आर मार्क्स यू हैव ऑप्टेंड ये आपके ऑल इंडिया रैंक मतलब ये आपके उस ओवरऑल रैंक है उस टेस्ट में ये आपकी परसेंटाइल है परसेंटाइल के बारे में आई होप सब जानते होंगे नहीं जानते हो तो परसेंटाइल के बारे में भी आपको एक वीडियो बना करके बता दिया जाएगा दीज आर दी करेक्ट क्वेश्चन दीज आर दी इनकरेक्ट क्वेश्चन ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट के स्कोर है ये एक सिंपल एनालिसिस है ठीक है कितने मार्क्स आपने फिजिक्स में लॉस किए कितने केमेस्ट्री में लॉस किए ये आप इस पहले वाली स्लाइड में देख सकते हैं ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ये बच्चों वो है कि भाई मुझे मैं एक स्टूडेंट हूँ मेरा स्कोर यहाँ पर है और मुझे 90 परसेंट स्कोर यदि करना है तो मुझे और कितने मार्क्स की ज़रूरत है हम आप जनरली क्या होता है हम एग्ज़ाम देते हैं एग्ज़ाम देने के बाद मान लीजिए मेरा परसेंटाइल आता है सेवेंटी परसेंटाइल और उसके बाद मैं बस सोचता हूँ मुझे क्या करना चाहिए आई प्लान एवरीथिंग बट नो इज़ गिविंग यू एग्जैक्ट वैल्यू कि यार तुम्हें बीस नंबर और चाहिए बीस नंबर और होते तो ऐसा हो जाता चालीस नंबर और चाहिए चालीस होते तो ऐसा हो जाता हम आपको बताएंगे कि ये जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस गैप को कम करने के लिए आपको एग्जैक्टली exactly कितने मार्क्स की जरूरत है तो ये वाला जो एनालिसिस है ये आपको बताएगा कि इतने मार्क्स लाने पर आपको 90 परसेंटाइल आ जाएंगे यदि आपको 95 फाइव परसेंट चाहिए तो कितने मार्क्स लाने हैं ठीक है 99 नाइन परसेंट चाहिए तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना टारगेट सेट कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स

तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं रिजल्ट आता है वो रिज़ल्ट केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी नॉलेज कितनी थी वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा था उस समय आपकी हेल्थ कैसी थी उस समय आपका मेंटल लेवल कैसा था और आप क्या सोच रहे थे उस समय छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ देश में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं बहुत सारे बच्चे अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन इंडिया की टीम में फास्ट बॉलर सेलेक्ट एक या दो ही होते हैं क्या सब बच्चों में कोई कमी थी या सब बच्चे एक जैसे लेवल के थे लेवल वाइज सब एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ बच्चे यहाँ से मजबूत होते हैं कुछ बच्चे यहाँ से बहुत मजबूत होते हैं यहाँ से कमज़ोर होते हैं कुछ बच्चे यहाँ से मजबूत होते हैं यहाँ से कमज़ोर होते हैं तो जिस बच्चे का ये और ये दोनों मजबूत है और उसके साथ साथ शरीर भी मजबूत है क्योंकि उसको तीन घंटे लगातार बैठना होगा टेस्ट देना होगा उसी के मार्क्स अच्छे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग ये सारी बातें कवर करते हुए आपको सजेशन देंगे आफ्टर द टेस्ट ये देखिए ये आपको बताता है कि आपको एकेडमिक वाइज कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा जब भी आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि केमिस्ट्री में आपका ये ये टॉपिक वीक है ठीक है फिजिक्स में आपका ये टॉपिक वीक है मैथ्स में आपका ये टॉपिक वीक है तो वीक टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो कंप्लीट आपको यहाँ पे मिलेगी उसके अलावा ये जो बिहेवियर वाला पार्ट है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं किस किस तरह की मिस्टेक्स आप करते हैं एग्जाम में और एक ओवरऑल पेपर को अच्छा करने के लिए किन चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है तो जो बच्चों सबसे पहली चीज है वो है इंटेंट आपका मेंटल लेवल कैसा है आप क्या करना चाहते हैं आप क्या सोच के गए हैं आप कितना स्कोर करना चाहते हैं आप खुश होकर के पेपर दे रहे हैं या परेशान होकर के पेपर दे रहे हैं डर डर के पेपर दे रहे हैं या मजबूती से पेपर दे रहे हैं तो आपका जो इंटेंट है ना वो हम चेक करके बता सकते हैं क्योंकि पेपर के दौरान आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो उसके बाद आप कितनी देर में एक्शन लेना शुरू करते हैं वो सब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल नोट करता है और नोट करके आपको बताता है कि ये क्वेश्चन आपने बहुत देर तक बहुत देर समय लगाया हम आपको ये भी बता देंगे कि आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने अगर उसको बहुत जल्दी से छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने हो सकता है उसमें कोई गलती करी हो वो एक स्कोरिंग क्वेश्चन था जिसको आप कर सकते थे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे हम आपको ये भी बता देंगे कि किस किस क्वेश्चन में आपने टू लॉन्ग बहुत ज़्यादा समय लिया उसके बाद भी उसको गलत कर दिया हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एंडस यानी कि आप कितनी कैपेसिटी रखते हैं आपकी कैपेसिटी क्या है आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप कितनी जल्दी फॉर्मले प्रोड्यूस कर पाते हैं कितनी जल्दी आप जो सोच रहे हैं उसको पेपर पे ला पाते हैं और कितना एक्शन लेते हैं आपकी कैलकुलेशंस कितनी फास्ट है सेलेक्टिविटी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जाम फॉर एनी इन लाइफ यू हैव टू बी सेलेक्टिव आप लोग अगर गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो और उसके बाद उसमें लगे रहते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है कोई सा भी एग्जाम हो बच्चों चाहे वो ओलंपियाड का एग्जाम हो चाहे आईआईटी एडवांस एग्जाम हो चाहे मेडिकल एग्जाम हो चाहे आई एग्ज़ाम हो इन एनी एग्जामिनेशन देर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली इजी क्वेश्चन और यदि आपने इजी क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया ढूंढ लिया वो कला अगर आपको आ गई तो समझ लो आपकी आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हो एग्ज़ाम के अंदर

तो ये चीज भी हम आपको बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन में इस तरह की बेवकूफी करी है और उस बेवकूफी को हमको रिमूव करना है ताकि हम पंद्रह मिनट में पांच क्वेश्चन करें ना कि एक नेक्स्ट स्टैमिना स्टैमिना के बारे में आज दिन तक मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का काम नहीं देखा जो हमारी टीम ने किया है हम आपको बताएंगे अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से बच्चे का स्टैमिना जो है लास्ट में जाते हुए टूटता है कमजोर बच्चे का और किस तरह से टॉपर जो है वो अपना स्टेमिना मेंटेन रखते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना है कि हम लोग लास्ट में जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाते हैं हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है उसका रीज़न होता है बच्चों जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो उस समय आप लोग अपनी तीन घंटे की बैठने की जो हैबिट है उसको लगातार कंटिन्यू नहीं करते आप लोग जनरली पढ़ते हो एक घंटा फिर उठ जाते हो आधा घंटा पढ़ते हो फिर उठ जाते हो जो बच्चे लगातार घंटे की प्रैक्टिस करते हैं साल भर वही बच्चे एग्जाम में भी लगातार तीन घंटे पूरी एनर्जी से काम कर पाते हैं तो ये स्टैमिना के बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे और ये पांचों चीज मिलकर के नॉलेज इंटेंशन स्टैमिना स्टबन माइनस करना है इसको तो सेलेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए ये पांचों चीज़ें मिलकर के जो भी इसके प्लस है उनको यूज़ करके जो भी इसके माइनस है उनको रिमूव करके आप अपनी सारी कमजोरियों को हटा सकते हैं और ये दोनों मिलकर के आपके एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं और इन सब चीज़ों पे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक अच्छे स्टूडेंट का ग्राफ है आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ टाइम डिफिकल्टी लेवल एंड यहाँ पर टाइम लाइन है कि उस बच्चे ने किस एग्जाम के दौरान किस समय पर क्या किया जैसे ये देखिए जीरो से लेकर के 180 मिनट्स तक का पूरा स्पैन है ये एक अच्छे बच्चे का ग्राफ है और इस अच्छे बच्चे के ग्राफ में आप देख सकते हैं जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो लगभग-लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह आप देखिए यानी कि अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज अ परफॉर्मर इफ विराट कोहली इज प्लेइंग अगर वो खेल रहे हैं और अगर आज उनका दिन अच्छा है और अगर वो रन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहले चार ओवर में रन बनाएंगे जब तक तो वो क्रीज़ पे हैं अच्छे खिलाड़ी लगातार रन बनाते रहते हैं अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो लास्ट मोमेंट तक उतना ही एनर्जेटिक रहता है जितना कि पहले मोमेंट पर था ये अच्छा खिलाड़ी है। ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम आप देख सकते हैं दीज ग्रीन सर्कल्स आर करेक्ट क्वेश्चन इन करेक्ट क्वेश्चन सभी से गलतियां सबसे होती है इस बच्चे से भी गलतियां हुई तो जैसे इसके जो इन करेक्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बीच बीच में यहां पर इनकरेक्ट क्वेश्चन है अनएटम्प्टेड क्वेश्चन बीच बीच में अनअटेमटेड क्वेश्चन भी हैं ये अन क्वेश्चन है ये भी अटेम्प्ट नहीं किया लास्ट में दो तीन अन क्वेश्चंस थे जो एक खास स्ट्रेटेजी को आपको बताते हैं और वो ये कि इस बच्चे ने जब इन तीनों चारों क्वेश्चंस को देखा होगा शुरुआत में तो इसने डेफिनेटली इनको छोड़ दिया होगा आगे बढ़ गया होगा जब उसने पूरी तरह से अपना पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो लास्ट में जाके उसने उन क्वेश्चन को देखा जो ये छोड़ते हुए बढ़ा था और लास्ट में भी उसको हो सकता है लगा हो कि यार ये नहीं होंगे तो एंड में जाके उसने उनको छोड़ा लेकिन बच्चों देखो उसकी अच्छी बात लास्ट में जाते जाते भी एक सिक्स मारा इसने यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन का तो यहां देख सकते हैं बच्चों कि यहां ये तीन पॉइंट्स और है ओवर टाइम टू फास्ट एंड परफेक्ट थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको आप देख सकते हैं कि ओवर टाइम यहां पर एक ओवर टाइम है ठीक है उसके अलावा यहां टू फास्ट है अब ये ये जो दो, दो आप, तीन टू फास्ट आप देख रहे हैं ना इसका मतलब ये है कि इसने बहुत समझदारी करी क्या समझदारी करी होगी इस बच्चे ने इस बच्चे ने कोई क्वेश्चन देखा इसको लगा इसने इसने छोड़ दिया विद इन निर्णय ले लिया कि ये मेरे लायक क्वेश्चन नहीं है यहाँ हो सकता है देखो कोई भी बच्चा हो सकता है कभी कभार सेंट्री हो जाता है तो एक आध क्वेश्चन पे सेंट्री हो गया यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया ले, लेकिन यहाँ इसने समझदारी करी और हो सकता है यही वो क्वेश्चन है जिसने लास्ट में दोबारा चेक किया तो ये जब टू फास्ट का मतलब है कि उन क्वेश्चन पे बहुत जल्दी निकला टू फास्ट और उसके बाद उसने छोड़ दिया और आगे बढ़ गया तो ये अच्छे बच्चे का पूरा का पूरा एनालिसिस है ऐसा एनालिसिस आपको अपना मिलेगा कि मैं एग्ज़ाम के दौरान कहाँ मेरे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे अब एज़ ए स्टूडेंट मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ मैंने चार पाँच टेस्ट दिए और मुझे पता चला कि यार मेरी यहाँ पर ग्रीन ज़्यादा होते हैं यहाँ पे धीरे धीरे ग्रीन कम हो जाते हैं तो मुझे उस हिसाब से प्लान करना होगा कि मैं अपनी एनर्जी को लास्ट तक कैसे मेंटेन रखूँ स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज करूँ एंड साइकोलॉजिकली मैं अपने दिमाग को प्रिपेयर करके जाऊँ कि यार एग्ज़ाम में लास्ट में मैं गड़बड़ करता हूँ तो मुझे लास्ट में भी अच्छे क्वेश्चन करने कुछ बच्चों के हो सकता है यहाँ ग्रीन कम हो बीच में ग्रीन ज़्यादा आ जाए तो वो सब चीज़ों के लिए आप यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं इस एनालिसिस के बाद अब देखो बच्चों एक एनालिसिस ये है एक एवरेज बच्चे का एनालिसिस है हाँ एक पॉइंट और वहां मैं आपको बोलना चाह रहा हूं जो मैंने मिस कर दिया ये एक अच्छे स्टूडेंट का टाइम है और आप देखिए एक मिनट में उसने अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दिया ये रिव्यू वाले क्वेश्चन हैं तो 170 मिनट्स में उस बच्चे ने अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दिया विद इन टाइम 10 मिनट उसके पास बचे किन क्वेश्चंस को करने के लिए जिनको छोड़ के आया था वर्सेस एवरेज स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट का पेपर जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसको आए ही नहीं और आप देखिए इस टाइम के बाद वो एक तरह से डल पड़ गया एकदम शांत हो गया वो मतलब उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया एनर्जी लेवल या तो उसका बिल्कुल डाउन हो गया गिव अप मार दिया उसने तो ये बताता है कि क्यों एक अच्छा स्टूडेंट एवरेज ही रह जाता है वो क्यों अच्छे क्वालिटी में नहीं जा पाता अच्छे रैंक नहीं ला पाता क्योंकि यहाँ आते आते उसकी मेंटल स्टेट या कह सकते हो मानसिक तौर पर वो मजबूत नहीं रहा थक गया वो और उसके बाद आप देखो इसके बाद, इसके बाद इसकी एक्टिविटी लगभग ना के बराबर है इधर देखिए यहाँ पर शुरुआत में बड़े गजब अच्छे से वो कर रहा था काम उसके अलावा बीच बीच में उसने उस बच्चे के आपने देखे अच्छे बच्चे के ये वाले जो मार्क्स थे ये वाले जो सिंबल्स थे बहुत कम थे ये वाले सिंबल्स ओवर टाइम के सिंबल्स हैं एवरेज बच्चा क्यों बन गया वो क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस में सेंटिमेंटली अटैच हो गया और यदि वो यहाँ सेंटिमेंटली अटैच नहीं होता तो हो सकता है यहाँ तक कुछ एनर्जी बचती और वो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को और कर लेता तो बच्चों हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको ये सब बताएगा कि आप देखो कितने क्वेश्चंस में सेंटी हो गए थे ठीक है यहाँ देखिए ये यह कुछ रीजन ऐसा है जो बिल्कुल खाली है ये रीजन आपको खाली खाली से लगेगा इसका मतलब ये बच्चा एग्जाम के दौरान तीन से चार बार एकदम नम्ब हो गया इसका दिमाग चौक हो गया काम करना बंद कर दिया उसने और ये अपने आप को कम से कम चेक कर सकता है कि मैं कब कब काम करना बंद कर देता हूँ आगे वाले पेपर में ये प्लान कर सकता है बच्चा कि मेरे को ऐसे ध्यान रखना चाहिए क्या गड़बड़ हुई थी मेरे साथ एग्जाम में उसकी तैयारी कर सकता है दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड दिस विल बी डेफ़िनेटली वेरी हेल्पफुल एक और आपको लास्ट में बताता हूँ ये एक बहुत कमज़ोर स्टूडेंट का कर्व है बच्चों और एक कमजोर स्टूडेंट के लिए आप देखिए कहाँ कहाँ उसके माइनस पॉइंट पहली बात तो उसके करेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है दूसरी बात आप देखिए ओवर टाइम ओवर टाइम जो है चारों तरफ फैले हुए उसके ओवर टाइम ये इतने ओवर टाइम है उसके अलावा टू फास्ट टू फास्ट बहुत सारे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो फास्ट था इसका मतलब ये है कि उसने पढ़ा और बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया लास्ट में उसने कुछ क्वेश्चंस को देखा और हो सकता है यहाँ पे तुक्के मारे हूँ बहुत तुक्के मारे होंगे इसने लास्ट में देखा लगा यार ये करेक्ट लग रहा है मुझे देखने में अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन मार दिया तो ये टू फास्ट है ये एक कमज़ोर बच्चे का कर्व है आप देख सकते हैं लगभग लगभग यहाँ पर ये खाली सा है टाइम डिफ़िकल्टी लेवल बताती है कि इस दौरान इसका जो एक तरह से एफिशिएंसी था वो बहुत कम था ये बहुत स्लो काम कर रहा था और इसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल एकदम यूँ कह सकते हो लोएस्ट लेवल पे थी तो ये कमज़ोर बच्चे का एक तरह से आपको पूरा एनालिसिस दिख रहा है यहाँ पे और देखिए इसके करेक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कम है यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन करेक्ट हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत लिया इसने ठीक है तो इसके बाद ये एक लास्ट स्लाइड है जिसमें uh, मेरे ख्याल से लास्ट ही है हाँ यस वन मोर स्लाइड सेकेंड लास्ट स्लाइड है इस स्लाइड में हम लोग ये देख दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड इसमें अपन ये देख सकते हैं जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि जो दस क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करेंगे उन दस क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन आपको चुनने चाहिए थे सो द सो बेस्ड ऑन एनालिसिस बेस्ड ऑन अवर डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे जो क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये सारे क्वेश्चन ये हमने हजारों बच्चों के ऊपर ऑलरेडी यूज करे हुए हैं और उन हजारों बच्चों ने इसको कितनी देर में किया था कितने देर कितने बच्चों का ये क्वेश्चन

सेलेक्शन uh, वाले जिसमें सेलेक्ट कर सकता है पांच उसमें से एक भी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया है ना इसने एक भी क्वेश्चन नहीं किया और इसने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया ये ट्वेंटी सेकेंड लेकिन ये हमारे एनालिसिस के हिसाब से किसी भी बच्चे के लिए उचित क्वेश्चन नहीं था दिस इज नॉट अ अटेबल क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन को करना ही नहीं चाहिए था फिर भी उसने किया और वो गलत हो गया तो हम उसको बता सकते हैं कि उसके जो सेलेक्टिविटी वो जीरो परसेंट इनफैक्ट माइनस में सेलेक्टिविटी है उसकी जो कि उसने सेलेक्ट किया वो भी गलत ठीक है केमिस्ट्री में ये पांच क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे हिसाब से ठीक है मतलब इनको चुनना चाहिए था और इसने उसमें से चार चुन लिए इसका मतलब ये है बच्चों कि उसकी सेलेक्टिविटी एटी परसेंट है एटी परसेंट वो सेलेक्ट करता है और ये आपको बताया जाएगा इसका मतलब उस स्टूडेंट को पेपर के बाद ही बता दिया जाएगा यार फिफ्टी वन क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए था इसके बजाय आपको ये करना चाहिए था आपने ये करके गलती करी हो सकता है कि किसी बच्चे का 52 सही हो जाए लेकिन बच्चों बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी यदि 100 बच्चे एग्जाम देते हैं और यदि 90 बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी मेरा यह मानना है कि वो क्वेश्चन आपके लिए टेबल नहीं है उसके बजाय ये इस पे जाइए तो ये एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आउट ऑफ दोज क्वेश्चन टेन क्वेश्चन विच क्वेश्चन वॉज गुड फॉर यू एंड विच क्वेश्चन इज बैड फॉर यू ताकि आप फ्यूचर में सेलेक्टिविटी जब आप एग्जाम दें तो सेलेक्टिविटी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करें यहाँ देखिए इन्होंने मैथ्स में एक क्वेश्चन उठाया अच्छा सिलेक्शन किया इधर कुछ उठाया ही नहीं तो सिलेक्टिविटी इनकी 20 परसेंट आ गई तो यहाँ आप देख सकते हैं मैथ्स में इन्होंने एक ही क्वेश्चन पिक किया है और वो ही करेक्ट हो गया तो सिलेक्टिविटी वाइज तो ये 100 परसेंट है लेकिन क्योंकि चार क्वेश्चन और थे जो ये सेलेक्ट कर सकते थे तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये चार क्वेश्चन और कर सकते थे आपको एग्जाम के बाद ये बताया जाएगा कि यस ये भी आपके खाते में जुड़ सकते थे करेक्ट क्वेश्चन की लिस्ट में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों तो मेरे हिसाब से आज की नीड के हिसाब से जेई मेन के नए पैटर्न को देखते हुए हिसाब से रिलायबल की टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए जो फीचर अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड किया है दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू और ये आपके मार्क्स को आपकी परफॉर्मेंस uh, को काफी हद तक इंप्रूव करेगा एंड दिस इज ए यूनिक फीचर दिस पार्ट ऑफ माइक्रो लेवल एनालिसिस विल लेट यू नो वेयर शुड यू इंक्रीज योर एक्यूरेसी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्यूरेसी है परसेंटेज में इजी क्वेश्चन में सो इफ आई एम ए स्टूडेंट एंड माई मेरा लेवल यहाँ पे है इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी 40% है इजी वालों में तो इजी क्वेश्चन में मेरी एक्यूरेसी 40% है जबकि इजी क्वेश्चन में एवरेज एक्यूरेसी जो है वो है 75%. इसका मतलब एक स्टूडेंट को यहाँ पर ये सीखने का ये पता करने का मौका मिल जाएगा कि उसको यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इजी क्वेश्चन में उसकी एफिशिएंसी टेंडिंग टू हंड्रेड होनी चाहिए इट शुड टेंड टू हंड्रेड अगर उस इजी क्वेश्चंस में उसकी एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट को टेंड कर गई तो समझ लो आई एडवांस की कट ऑफ तो वैसे ही पार हो गया जी मैं इनकी कट ऑफ भी पार हो गया और अच्छे रैंक का सपना देख सकता हूँ उसके बाद आता है मॉडरेट लेवल तो देखिए मॉडरेट लेवल पे जैसे इसको पता चल जाएगा मेरी एक्यूरेसी लगभग 45 परसेंट है जबकि एवरेज एक्यूरेसी लगभग लगभग 80 परसेंट है इसका मतलब ये चीज़ ऊपर जानी चाहिए ये चीज़ ऊपर जानी चाहिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है इजी क्वेश्चन में मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए तो आपको एज अ मिररर जस्ट लाइक अ मिररर यू विल बी एबल टू सी द रिफ्लेक्शन वॉट यू हैव डन आपने इजी क्वेश्चन में क्या किया आपको पता चल जाएगा और यहाँ इंप्रूवमेंट करने का आपको मौका मिल सकता है अगले टेस्ट में यदि आपके सामने एनालिसिस है तो मॉडरेट में जितना मैक्सिम हो उतना मौका मिलना चाहिए यानी कि आपका एक्यूरेसी लेवल एटलीस्ट एक एवरेज से तो ज़्यादा होना चाहिए डिफिकल्टी लेवल में अब मेरा ये मानना है बच्चों के एग्जाम में यदि हमने दो चार डिफिकल्ट सवाल नहीं किए तो नहीं किए यार क्योंकि पूरा एग्जाम करने की जरूरत नहीं है आपको पता है आई एडवांस का कट ऑफ पचास के नीचे नीचे रहता है यदि आपकी परसेंटेज 70 परसेंट के ऊपर आती है तो आप 200 में रैंक का सपना देख सकते हैं 80 परसेंट के ऊपर आती है तो आप 100 में रैंक का सपना देख सकते हैं हो सकता है आपकी टॉप फिफ्टी में रैंक आ जाए पचास के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे इसका मतलब यदि आपने पांच सात परसेंट पेपर जो टफ लेवल का था अगर एडवांस या जेई मेन के अंदर छोड़ भी दिया है ना तो इसे छोड़ना नहीं कहते इसे टेक्निकली समझदारी कहते हैं सो वी कैन हियर यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी कम हो या आपने हार्ड वाले क्वेश्चन छोड़ दिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ करना है और हमारे एनालिसिस का ये वाला हिस्सा आपको बताएगा कि आपको इस जगह कितना इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है तो बच्चों इस तरह से ये जो हमारा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म आपको एक तरह से टेक्निकली इक्विप करेगा और बैक एंड पे हम लोग एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप एग्जैक्टली इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं तो देर किस बात की है रिलायबल प्लेटफॉर्म का जो ए टेस्ट हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया है आप उन उस उन दोनों टेस्ट को अभी आने वाले समय में दे सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हम लोगों ने टेस्ट तो ऑलरेडी प्लान कर रखे थे चार लेकिन दो डेट ऑलरेडी निकल चुकी है अब आपके लिए दो डेट्स और बची है थर्टी जनवरी एंड फोर्टीन फेबरी सो गुड लक थैंक यू